नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें होती है आज की तैयारी और रोज की तरह 20 दमदार सौदे जो आपके सामने पेश किए जाएंगे, जहां पर आज आप इंट्रा डे में ही पैसा कमा सकते हैं। चांसेस ज्यादा है कि अगर आप ट्रेड इन सौदों में करेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा बेहतर बैठेगा। मैं हूं रजत, मेरे साथ कम्पीट कर रहे हैं डिम्पी। आज ग्लोबल संकेत उतने अच्छे नहीं जितने पिछले कुछ दिनों में देखने को। पिछले दिनों में अच्छे ग्लोबल संकेत थे, उसका भरपूर फायदा मार्केट ने उठाया भी और उसकी वजह से मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई पे भी आ गया और हर दिन करीब 50 पॉइंट के गैप के साथ हमने ओपनिंग भी की है। लेकिन आज ग्लोबल मार्केट वो कंफर्ट शेयर आपको नहीं देगा, क्योंकि सेंसेक्स निफ्टी के अंदर अभी भी करीब 10 अंकों के आसपास का नुकसान देखने को मिल रहा है। अच्छी बात यह है कि 11,500 के ऊपर है। दूसरी अच्छी बात यह है कि 11,400-11,500 दो अहम लेवल हैं जिसको हम पक्का कर रहे हैं, जिसको हम मेंटेन कर रहे हैं। 11,400 तो खैर बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, लेकिन 11,500 के कल के ऊपर की क्लोजिंग ये इंडिकेट करती है कि मार्केट के अंदर बहुत डीप करेक्शन शायद नहीं दिखती होगी। इस पीछे कुछ और ग्लोबल मार्केट के संकेत आप देख लीजिए, खासकर एशियन मार्केट्स, यूएस की क्लोजिंग कैसे रही है, उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, रजत आपको बताएंगे। और उसके बाद फिर आगे शेयर्स के सिलसिले को शुरू करेंगे। हैंगसेंग हांगकांग का बाजार ये ऑलमोस्ट इसमें फ्लैट है। एक बार ओपनिंग के समय में भी देखिएगा कि या इसके अंदर गिरावट बढ़ती है या इसके अंदर तेजी बढ़ती है। तेजी बढ़ने पर आपका कंफर्ट का लेवल बढ़ेगा, गिरावट बढ़ने पर आपको हर एक चीज पे एक सपोर्ट देखना होगा कि जो पोजिशन हैं या जो बनाना चाहते हैं उसके सपोर्ट्स के लेवल क्या है। दूसरा जैपनीज मार्केट, क्योंकि करेंसी ड्रिवन मार्केट ज्यादा है, ये आज थोड़ा सा फ्लैट टू नेगेटिव होकर कामकाज कर रहे हैं। तो ज्यादातर एशियन मार्केट जिनमें कामकाज हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़त या बहुत ज्यादा गिरावट तो नहीं है, यही एसजेक्स निफ्टी भी आपको दिखा रहा है जो कि 10 पॉइंट की गिरावट के साथ है। और जो बाजार खुले हैं वो भी आपके सामने होंगे, साथ ही साथ यूएस मार्केट्स की कल की क्लोजिंग भी आप देखिए। नैसडेक के अंदर फ्लैट ही क्लोजिंग मिली है और डॉ भी ऑलमोस्ट ही फ्लैट, आज 4.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ है। S&P के अंदर सिर्फ 7 अंकों की बढ़त है। डॉ फ्यूचर्स इस समय फ्लैट है, ये नैसडेक के और दोनों के फ्यूचर्स इसमें फ्लैट है। कच्चे तेल में भी कल एक रेंज का ही ट्रेड आते हुए दिखा, हालांकि कल जब बात हो रही थी, मीटिंग्स हो रही थी, तब ट्रेड वॉर को लेकर, क्रूड को लेकर भी काफ़ी बातें हुई हैं यूएस मार्केट्स के अंदर, लेकिन प्राइजेस पे कुछ खास बड़ा असर नहीं, 72 और 66 नामेक्स पे कामकाज कर रहा है। आगे देखते हैं करंसी के अंदर भी कल हमको 70 के नीचे की क्लोजिंग मिली है। कल इतने ही पॉइंट्स के साथ हमने ओपन किया था और उतने ही पॉइंट्स के साथ कल क्लोज किया। दिन भर थोड़ी स्ट्रेंथ बनी रही, शायद वो स्ट्रेंथ आज भी काम आ जाए। तो 70 के नीचे अपने आप को स्ट्रांग ही समझे इस समय, कम से कम मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से करंसी इतना भी कर दे तब भी बहुत है। यूएस मार्केट्स के अंदर और क्या हुआ जल्दी से आपको बता रहे हैं रजत, उसके फिर शेयर्स के सिलसिले को शुरू कर रहे हैं। जी बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से फेड जो चीफ हैं उनके जो इंटरेस्ट रेट हाइक का सिलसिला है उसके ऊपर सवाल खड़े कर दिए। एक तो ये खबर थी जिसने बॉन्ड मार्केट को काफ़ी अट्रैक्टिव बता दिया, और दूसरा ये कि लगातार देख रहे हैं कि बाजार पे तेजी के सौदे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। FNP मात्र 1% रह गया अपने उच्चतम स्तर को छूने से। IT स्टॉक्स हालांकि थोड़ी मुनाफा वसूली थी US मार्केट पे, लेकिन सबसे बड़ा ट्रिगर ग्लोबल वॉर अगर ईज आउट होती है यहाँ पर टेंशंस, तो वो एक बड़ा ट्रिगर बन जाएगा, क्योंकि US और चाइना के बीच में जैसे बैठक शुरू होगी इस हफ्ते, तो वो एक बड़ा ट्रिगर है ग्लोबल मार्केट्स के लिए। ठीक है, अब आते हैं शेयर्स के सिलसिले पर। मेरी तरफ से जो पहले दो शेयर हैं जरा वो नोट कीजिए। पहला होगा इंजीनियर्स इंडिया। डोमेस्टिक फ्रंट पे अगर आप सरकारी कंपनीज में देखेंगे ना, कल हालांकि रिपोर्ट तो सिर्फ BHEL पे आई थी, लेकिन ज़्यादातर सरकारी कंपनीज कुछ तेज़ हो रही थी। सरकार का विनिवेश का प्लान तो है, लेकिन शायद वो सेलेक्टिव हो जाए। हमारे पास ये जानकारी है एक रिपोर्ट के जरिए कि इंजीनियर्स इंडिया में शायद सरकार विनिवेश अभी जल्दी जल्दी ना करे। ये अच्छी बात है इस कंपनी के लिए, क्योंकि इस जगह पर आके उसको अच्छी वैल्यूएशन शायद ना मिले, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस थोड़े से 70 या 72 डॉलर के आसपास चल रहे हैं। ये क्रूड से ज़्यादा इंपैक्ट होता है, क्रूड के बढ़ने से इसकी तेज़ी बढ़ती है। हालांकि अभी सिर्फ क्रूड का ही प्ले नहीं है, बल्कि इसने कई वर्टिकल्स में ग्रोथ दिखाई है और रिटेल्स में भी आ चुका है, साथ ही साथ ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस में भी है। तो ये अलग अलग कारोबार भी, इसको थोड़ा और समय चाहिए होगा, इसलिए विनिवेश का फैसला पीछे करना ये अच्छी बात है इसके लिए। तो इंजीनियर्स इंडिया कल भी अच्छा चला था, 2.5% ऊपर था। इस प्राइसिंग पे ज़्यादातर एनालिस्ट इसकी वैल्यूएशन को जस्टिफाइड करते हैं। आज 127 रुपये का टारगेट रखे, 123.50 का एक स्टॉप लॉस होगा। दूसरा है पूर्वांक्रा में कल एक खबर थी कि उन्होंने गूगल के साथ करार किया। हालांकि करार तो ये इस तरह के होते ही रहते हैं, लेकिन कल जब रियल एस्टेट के अंदर बाइंग आ रही थी, पूरे रियल एस्टेट के हमने शेयर्स को चेक किया, उसमें पूर्वांक्रा की पोजीशंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 100 के अहम स्तरों को आज पार कर सकता है। कल इसने 100 का लेवल दिखाया, ऑलमोस्ट क्लोजिंग 99.40 पे हुई है। ये क्रिटिकल था जो मैं जिस करार की बात कर रहा था, वो गूगल के साथ हुआ है। स्मार्ट होम्स के लिए करार है जिसमें सिक्योरिटी से लैस कुछ एक होम्स बनाए जाएंगे। एक प्रोजेक्ट है जो कि गूगल के साथ इन्होंने टाइप किया है, लेकिन वो इंपॉर्टेंस कम, लेकिन इसकी जो प्राइसिंग की इंपॉर्टेंस है वो थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। 54% की कैश डिलीवरी भी इंडिकेट करती है कि पूर्वांकर के अंदर गिरावट तो कम से कम नहीं आएगी, यहाँ से फिसल जाएगा तेजी से ऐसा लगता नहीं है, डिलीवरी का बेस काम कर जाएगा। आज 100 के ऊपर का टारगेट रखें, 102 का, 98 का एक स्टॉप लॉस रखें, इसमें खरीदारी करें। 98 के नीचे जाते ही ये फिर से वीक ना हो जाए, 100 के पाने में इसको मुश्किल ना हो जाए, इसलिए 98 का स्टॉप लॉस रखिएगा।
टिन प्लेट होगा पहला सौदा जिसमें आप तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। इनफैक्ट तेजी बन भी रही है, कल के ट्रेंड में यहाँ पर तेजी में था स्टॉक, टाटा ग्रुप की कंपनी है और टाटा ग्रुप समूह के स्टॉक्स में तेजी बन रही थी कल के सत्र में। हो सकता है कि आज बाजार पे अगर फ्लैट रुझान पे देखने को मिले तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जहां पर मजबूती देखने को मिल रही है, ट्रेडर्स उनको चेज करें। 178 की क्लोजिंग थी, 183-184 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है और 176 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस लगाकर तेजी के सौदे 10 प्लेट में रिकमेंड होंगे। इसके अलावा ADAG पैक बहुत मजबूती, निचले स्तरों से एक पुल बैक सभी काउंटर्स पर देखने को मिल रहा है, चाहे आप रिलायंस इंफ्रा ले लें या फिर रिलायंस कैपिटल। तेजी के सौदे कल वायदा कारोबार में ज्यादा देखने को मिले और लगभग 2% ओपन इंटरेस्ट के साथ तेजी बनती हुई नजर आई। ADAG पैक में मजबूती हो सकता है आज भी जारी रहे। 438 से 440 तक के लक्ष्य रिलायंस इंफ्रा पे और स्टॉप लॉस आपको 422 का स्ट्रिक्टली अपने सौदे पे फॉलो करना। इस पीछे एक कल हम बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में चर्चा कर रहे थे और बैंकिंग में से बैंक ऑफ बड़ौदा, इस पे भी एक बार ध्यान रखें। कल की अच्छी क्लोजिंग थी 150 के ऊपर, हालांकि कल ज्यादातर सरकारी बैंकों पर थे, SBI, कैनरा बैंक, यूनियन, इंडियन, बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी क्रिटिकल लेवल को पार किया, क्योंकि ये बैंक का इस लेवल को पार करना इंपॉर्टेंट है। SBI ऑलरेडी नंबर से पहले चल चुका है। कैनरा बैंक में भी कल अच्छा मूव आया लास्ट के आधे घंटे में, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन हमने कोशिश की कि आपको थोड़ा वो वाला शेयर दिखाएं जहाँ पे थोड़ी वायदा के अंदर भी पोजीशंस अच्छी बन रही हो। इसके अंदर कल क्या होगा, कल शॉर्ट कवरिंग शुरू हो गई है। कल का दिन तो शॉर्ट कवरिंग के नाम था, इसलिए परसेंटेज गेन भले ही 3% का था। आज कुछ ताज़ा खरीदारी हो सकती है अगर मार्केट ने ज़्यादा डैमेज नहीं किया अर्ली ट्रेड में ही, अगर अपने आप को मेंटेन रखें तो बैंकिंग सपोर्ट कर सकता है, उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा लीडर हो सकता है। 156 का आज के लिए टारगेट रखें, 151 के ऊपर की क्लोजिंग इंडिकेट कर रही है कि जल्दी जल्दी 148 वाले लेवल को तोड़ेगा नहीं, इसलिए हमने स्टॉप लॉस भी 148 का ही रखा है। तो कल जो सरकारी बैंकों में खरीदारी है उसका फायदा शायद आज भी आपको मिल जाए, बट सेलेक्टिव होना होगा। दूसरा एक और शेयर है हमारी लिस्ट में, वो है गोडफ्रे फिलिप्स। ये सिगरेट वाली कंपनीज के अंदर वापस हमको काफ़ी अच्छी बाइंग आती हुई दिखी है, लंबे ठहराव के बाद अब इन शेयर में वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रही है, कुछ क्रिटिकल लेवल भी ब्रेक हुए हैं। तो कल भी करीब 1.25% ऊपर जाके बंद हुआ था। इसके भी फ्यूचर्स में हमने चेक किया तो इसके अंदर भी शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई है। ये शॉर्ट कवरिंग जब तक है तब तक अपने वॉल्यूम को थोड़ा कम रखें, लेकिन जैसे ही आपको प्राइस और वॉल्यूम का एक्शन दोनों का प्लस दिख जाए तब समझिएगा कि इसके अंदर पक्का वो शॉर्ट कवरिंग का बेस काम आएगा और ये शेयर और चलने वाला है। इसलिए आज थोड़ा छोटा हमने टारगेट रखा है, अमूमन बड़ा मूव देता है, लेकिन फिर भी हमने 865 का ही टारगेट रखा और 847 का ही एक स्टॉप लॉस रखा है। एक बार आप इसमें एक बार वापस से उतर के आ सकते हैं, कंफर्मेशन मिल जाएगी ताज़ा खरीदारी होगी फिर और पोजीशंस बनाएंगे। लेकिन एक बार गॉडफ्रे फिलिप्स को भी आज देखिए, ये आज हमारे लिस्ट में चौथा शेयर है। एक्सप्लोरेशन से जुड़ी कंपनियां जो है वो एक्टिव थी कल के ट्रेड में, चाहे आप HOEC देखिए या फिर सिलान एक्सप्लोरेशन, निचले स्तरों से तेजी के ही संकेत हैं। सिलान चुना गया है आज के लिए, एक अगस्त महीने में 34% ऑलरेडी बढ़ चुका है, निचले स्तरों से तगड़ी खरीदारी देखने को मिल रही है और हो सकता है कि ये अपनी तेजी अभी बरकरार रखे। आज अगर ट्रेडिंग पोजीशन लेते हैं तो 266 के टारगेट के लिए खरीदें और 257 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्टली आपको सिलान एक्सप्लोरेशन पे फॉलो करना है। और एक और स्पेस है मेटल माइनिंग, जिसमें नालको नेशनल एल्यूमिनियम पे बेट लगाने की सलाह रहेगी। इनफैक्ट ये स्पेस हिंडाल्को और नालको दोनों में ही खरीदारी कल के सत्र में देखने को मिल रही थी और जैसे जैसे हम अप्रोच कर रहे हैं US और चीन की ट्रेड वार्ता के नज़दीक, वैसे वैसे मेटल माइनिंग हो सकता है बहुत अट्रैक्टिव पॉकेट बने, क्योंकि अगर ट्रेड वॉर टेंशंस ईज आउट होती हैं तो मेटल माइनिंग पे नेट पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। आप नालको या फिर हिंडाल्को दोनों में से कोई भी स्टॉक खरीद सकते हैं, लेकिन नालको पे अगर खरीदारी करते हैं क्योंकि लेटर हाफ में दमदार पोजीशंस ऐड हुई हैं, कल 76 का आज के लिए टारगेट होगा और 70-50 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। आगे बढ़ते हैं और फटाफट से देखते हैं आज का EPS शेयर। वो होगा GMR इंफ्रा। कल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई जो कंपनी थी उनमें काफी अच्छा मूव था, हालांकि जो डेट वाली कंपनी थी उनमें तो और ज्यादा स्ट्रांग मूव था। आपने कल SCC का मूव देखा, GMR का मूव देखा, इन दोनों में से एक चुनाव हमको करना था। हमको ज़्यादा फ्यूचर्स की पोजीशन GMR इंफ्रा की ज़्यादा बेहतर लग रही है। इसके अंदर आपको देखेंगे कि ताज़ा खरीदारी लास्ट के जो आधे घंटे में हुई है ना, ये ज़्यादा अच्छी थी। SCC ने सुबह ही गेन पा लिया था, बाद में उसे सिर्फ मेंटेन किया, लेकिन बाद में जो सेकेंड हाफ था वो GMR के नाम था। 5% ऊपर जाके शेयर बंद हुआ, क्लोज हुआ और आज फिर से हो सकता है तेजी आए, क्योंकि इनको मार्केट के बड़े रिदम के साथ कुछ लेना देना नहीं है। इनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी दिक्कतें हैं जिसको दूर करते हैं या फिर अपने क्रिटिकल लेवल्स हैं जिसको पार करके एक्शन दिखाते हैं। तो आप एक बार GMR इंफ्रा पे भी ध्यान रखें, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम ठीक है इसलिए इनके लिए वातावरण ठीक है चलने के लिए। GMR इंफ्रा आज 21.10 रुपये का टारगेट रखें। आपका कंफर्ट जोन 20.90 से ही शुरू हो जाएगा, आप बेचना चाहना शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं। 19.85 रुपये का एक स्टॉप लॉस भी रखेगा, अगर कोई सौदा आज ही बना रहे हैं, पुराना है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के भी काम आएगा। इसके वायदा बाजार में शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई है, तो शॉर्ट कवरिंग आई है इसलिए पूरा कॉन्फिडेंस तो नहीं, थोड़ा वॉल्यूम कम रख सकते हैं, लेकिन 20 के अहम स्तरों के ऊपर क्लोज
क्लोज हुआ है ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखा, इसलिए हमने आज 20.90 या 21.10 तक का टारगेट रखे आपके सामने सौदा रखा। जी हमारे इंफ्रा पे ध्यान रखें आप। श्नाइडर इलेक्ट्रिक होगा जिसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी, कल के सत्र में फिर से एक्टिव हुआ, फिर से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि निचले स्तरों से खरीदारी है, इसको कल बेहतर लेवल्स तक ले आई थी 104 के जोन्स तक, लेकिन आप ये देखिए कि तिमाही दर तिमाही ये घाटा पोस्ट कर रही थी कंपनी, लेकिन बीती तिमाही ने इसने ऑपरेटिंग फ्रंट पे और साथ साथ मुनाफे के फ्रंट पे बेहतर नतीजे पोस्ट किए, घाटे से मुनाफे में कंपनी लौटी और अब ट्रेडर्स के रडार पर है। कल दो हफ्ते की औसत से ज़्यादा वॉल्यूम के बीच में खरीदारी हो रही थी श्नाइडर इलेक्ट्रिक में, और ये जो हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनियां हैं ये कहीं ना कहीं फोकस में है, ट्रेडर्स यहीं पर ही खरीदारी कर रहे हैं। आप 111 से 112 तक की रेंज के लिए श्नाइडर पे सौदा डालेंगे तो 102 ये स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको आज के सत्र के लिए फॉलो करना है। अब पांच शेयर जो हमने आपके सामने सेगमेंट में रखे हैं जरा उसको नोटिस कीजिए। मेरी तरफ से पहला शेयर होगा इंजीनियर्स इंडिया का, जिसमें खबर ये आ रही है कि सरकार शायद इसका विनिवेश का इसका इस कंपनी का पर्टिकुलरली फैसले को थोड़ा सा टाल रही है कि उसका फायदा मिल जाएगा। अभी वैल्यूएशन को लेकर कोई चिंता नहीं है, ज्यादातर एक्सपर्ट्स इसके वैल्यूएशन को जस्टिफाइड करते हैं, इसलिए 127 का टारगेट। पूर्वांकरा ने गूगल के साथ स्मार्ट होम्स के लिए करार किया है, लेकिन इसका प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, 100 के आसपास की कल की क्लोजिंग है, आज 100 को पार करके 102 का टारगेट दिखा सकता है। कैश डिलीवरी भी ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा कल सरकारी बैंकों में अच्छा मूव था, उसमें से एक चुनिंदा शेयर है बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें वॉल्यूम के साथ जो खरीदारी हुई है 150 के ऊपर आके क्लोज मिला है, ये आज थोड़ा और चलेगा, 156 तक का टारगेट रखें। गॉडफ्रे फिलिप्स कई दिनों के ठहराव के बाद इन शेयरों में वापस एक्टिविटी देखने को मिल रही है, तेजी है, आज का मोमेंटम प्ले इसमें मिल सकता है, वादा के अंदर शॉर्ट कवरिंग है, आज का टारगेट होगा 865 का। जीएमआर इंफ्रा कल दो इंफ्रा कंपनीज एससीसी और जीएमआर ने अपने क्रिटिकल लेवल को ब्रेक किया है, ब्रेकआउट जैसे समझा जाएगा और आज 20 के ऊपर आके ट्रेड करेगा तो हो सकता है 20.90 21.10 तक पहुंच जाए, शॉर्ट कवरिंग इसके भी फ्यूचर्स में देखने को मिली है, 21.10 का टारगेट रखें, जीएमआर को भी बाय करें। टिन प्लेट पहला सौदा जिसमें 183 का लक्ष्य है और 176 का लगा लीजिए, एक स्टॉप लॉस टाटा ग्रुप की कंपनी है और टाटा ग्रुप समूह के स्टॉक्स में ही तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा एडीएजी पैक में मजबूती है जिसमें रिलायंस इंफ्रा कल वायदा कारोबार में बहुत एक्टिव था, 2% के आसपास ओपन इंटरेस्ट बढ़ा और तेजी बन गई, आज 438 से 440 का लक्ष्य है। सेलन एक्सप्लोरेशन पे खरीदारी करते हैं तो 266 के लक्ष्य के लिए खरीदें और 257 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस, और नालको हिंडालको में से कोई भी एल्यूमिनियम से जुड़ी कंपनी खरीद सकते हैं, नेशनल एल्यूमिनियम अगर खरीदते हैं तो 76 के लक्ष्य के लिए खरीदें, 70.50 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। और बतौर ईपीएस श्नाइडर इलेक्ट्रिक को उतारा गया है, 111 से 112 की रेंज के लिए खरीदा जा सकता है और 102 का लगाना होगा एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो लगातार कुछ ऐसे शेयर्स हम आपके सामने रख रहे हैं जो आज के मार्केट की स्थिति को देखते हुए आपके काम आ सकते हैं। आज ग्लोबल मार्केट का उतना स्ट्रांग तो नहीं है जो कल और परसों हमको मिला यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन फिर भी आज सेंसेक्स निफ्टी में कुछ बहुत ज़्यादा गिरावट तो नहीं है। ये आप यूरोपियन मार्केट्स को भी देखे होंगे, आपने यूएस मार्केट्स को भी देखा, उनमें बहुत ज़्यादा गिरावट या बढ़त नहीं है। आज हो सकता है मार्केट इंडेक्स के तौर पर एक रेंज में रहे, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिखेगा, इसलिए 20 शेयर हम छांट के आपके लिए लेके आए। 10 शेयर की सूची आपने नोट की होगी, अब जरा 11वां शेयर दिखे और मेरी शीट से छठा शेयर होगा, वो होगा हिंडाल्को। अभी थोड़ी देर पहले ग्लोबल मार्केट के आंकड़ों के लिहाज से आपको रजत भी बता रहे थे कि मेटल शेयर्स में अभी भी कुछ मजबूती आ सकती है, ट्रेड वॉर को लेकर जो चिंताएं हैं वो धीरे धीरे कम होने की फेसिस में चल रही हैं। तो जो कल हिंडाल्को के अंदर एक अच्छा मूव आया, आखिरी घंटे के अंदर खरीदारी भी थी, वॉल्यूम भी था इसके अंदर, 34% की कैश डिलीवरी भी थी, आज थोड़ा हिंडाल्को के अंदर वापस अच्छा मूव फिर से बन सकता है, 231 होगा टारगेट, 224 का एक स्टॉप लॉस रखें। कल तो फिर भी फर्स्ट हाफ में इसके अंदर एक अच्छा जो बढ़त बनी वो मेंटेन रहेगी, लेकिन आज हो सकता है दिन भर धीरे धीरे करके शेयर चले तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी, अगर आप अर्ली ट्रेड में भी सौदा नहीं डाल रहे हैं तो धीरे धीरे हो सकता है आपको स्ट्रेंथ दिखाता हुआ दिखे। मेटल्स में हिंडाल्को का डाटा सबसे बेहतरीन है इस समय चलने के लिहाज से। एक और शेयर है जिसके बारे में कल चर्चा हो रही थी वो था आरबीएल बैंक, मिड कैप बैंकिंग में से अगर आप उसको कोई चुन रहे हैं तो एक बैंक अच्छा हो सकता है। कल इसकी क्लोजिंग 590 के ऊपर ही आना अपने आप में सफिशिएंट था कि शेयर अभी थोड़ा और चल सकता है। कल एक इंट्राडे का टारगेट था जो कि कुणाल और राकेश ने इकट्ठे दिया था, वो तो अचीव हुआ, लेकिन आज ये थोड़ा और मूव दिखा सकता है, 598 तक के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी करें, 588 के नीचे आते ही या फिर इन स्तरों पर आते ही धीरे धीरे मोमेंटम इसमें कम होने लग जाएगा, तो आप इसमें चाहे तो वॉल्यूम कम कर दें या तो स्टॉप लॉस हटा के इससे बाहर ही आ जाए, तो 598 का टारगेट रखें, एक बार आरबीएल के अंदर भी ध्यान रख सकते हैं। दो शेयर इस शीट में मेरे सामने रखे मैंने, एक है हिंडाल्को, दूसरा आरबीएल बैंक। टूरिज्म से जुड़ी कंपनी टूर ऑपरेटर्स ये कल एक्टिव थे मार्केट पे, कॉक्स एंड किंग्स महिंद्रा हॉलीडेज जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ रही थी, और कॉक्स एंड किंग्स तो लगातार 3 सत्रों से निचले स्तरों से खरीदारी देखने को मिल रही है और वो भी वॉल्यूम के साथ, बेहतर वॉल्यूम के साथ खरीदारी हो रही है। अब 227 के टारगेट के लिए खरीदें और 218 आज के दिन के लिए एक स्टॉप लॉस आपको कॉक्स एंड किंग्स पे लगाना होगा।
HCL Tech, बड़ी खबर है आज आईटी स्पेस के लिए और खासतौर से HCL Tech के लिए कि 31 अगस्त को उन्होंने बायबैक की रिकॉर्ड डेट तय कर दी है, यानी कि इस दिन को अगर आपके पास ये शेयर होंगे तो आप बायबैक में लेकर उसको टेंडर कर सकते हैं। इसके अलावा 4000 करोड़ का बायबैक करने जा रही कंपनी और जो 1100 रुपये प्रति शेयर ये बताया गया है भाव जिस पर ये बायबैक होगा। एक अच्छी खबर है, HCL Tech कल नहीं चल पाया, आईटी स्पेस में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी इन्फोसिस की नेगेटिव खबर की वजह से, लेकिन आज चल सकता है और अब डाउनसाइड तो लिमिटेड हो ही गई है HCL Tech में। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में है, 1020 का टारगेट लेकर चलें और 980 या 978 के आसपास का स्टॉप लॉस आपको HCL Tech पे लगाना हो। दो दिन से हमने देखा कि जो बियर बनाने वाली कंपनी या लिकर वाली कंपनीज में थोड़ा प्रेशर था, लेकिन आज शायद हो सकता है प्रेशर थोड़ा कम हो जाए। केरल की जो दिक्कतें थी वो काफ़ी हद तक अब डिस्काउंट हुई हैं। कल आपको मालूम होगा कल 12 बजे के बाद एकाएक जीएम ब्रिवरीज में फिर से 5% का अपर सर्किट लग गया और ये वॉल्यूम भी था इसके अंदर, 64% की कैश डिलीवरी भी शेयर करनी खड़ी है। तो ये जो गिरावट आ रही थी बड़े शेयर्स में जिसमें UBL था, यूनाइटेड स्पिरिट्स था, उनके अंदर गिरावट का जो क्रम है वो थम गया और छोटी छोटी जो लिकर की कंपनीज हैं उनमें वापस तेजी आने लगी। जीएम ब्रिवरीज ने कल वो करके दिखाया, इसलिए आज हो सकता है अर्ली ट्रेड में फिर से जीएम ब्रिवरीज अपने 5% के सर्किट की तरफ दौड़े। तो आप शुरुआत में इस शेयर को देखिएगा, 780 का टारगेट है, हमने सर्किट का टारगेट नहीं दिया, इसके लेवल के आसपास खुले तो सौदा छोड़ भी सकते हैं। 750 का एक स्टॉप लॉस भी रखिएगा इसके अंदर, क्योंकि या तो ये अपर सर्किट पे रहेगा या तो ये बिल्कुल ही नहीं चलेगा। इस तरह की इसकी फितरत है, शेयर की इस तरह का मूव देता है ये, आप इस पे ध्यान रखें। कैश डिलीवरी 64%, 5% का अपर सर्किट है और फिर से खरीदारी लिकर शेयर्स के अंदर आई है, छोटे लिकर कंपनीज में। एक और शेयर है वो एक रियल एस्टेट कंपनी DLF है, जब इसने 205 के लेवल को पार किया तब भी हमने आपके सामने बात रखी थी कि कम से कम 10 रुपये चलेगा, अब कल 215 के आसपास इसकी क्लोजिंग मिली है। ये अहम है 215 के आसपास की इसकी फ्यूचर्स की क्लोजिंग मिलना, और रियल एस्टेट शेयर्स के अंदर वैसे भी खरीदारी है। कल दिन भर इसमें एक ही पैटर्न का वॉल्यूम बना रहा, कोई पैटर्न डगमगाया नहीं, गिरा नहीं, ना ही बहुत तेजी आई। आज DLF एक सस्टेन मूव वापस दिखा सकता है, कोई बड़ा मूव तो नहीं होगा लेकिन 4-5 रुपये का बड़ा मूव आ सकता है। इस लिहाज से आप 220 का टारगेट रखें, 3 रुपये ही नीचे का एक स्टॉप लॉस रखें, नहीं तो उसके बाद फिर मोमेंटम अपना खोना शुरू करेगा, 206 तक भी चला जाएगा। 212 का एक स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, 220 का टारगेट DLF में बाय करना है। एक सौदा है वेल्सपन एंटरप्राइजेस, स्टॉक में नजर रखिए। वैसे भी वेल्सपन ग्रुप से जुड़ी जो कंपनियां थी कल बाजार पे बहुत एक्टिव थी और तमाम स्टॉक्स में वॉल्यूम के साथ खरीदारी हो रही थी। यहां तो दो हफ्ते से बहुत के औसत के मुकाबले ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिले और हो सकता है जो रफ्तार कल पकड़ी थी 5-6% की आज भी कंटिन्यू रहे। आप 167-168 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कर सकते हैं और 160 ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा, 162 के ऊपर ही अपना सौदा बनाएं। एक सौदा है DCM श्रीराम, इस स्टॉक पर भी नजर रखी जा सकती है और यहाँ पर तो खबर ये है कि प्रमोटर ने अपनी कंपनी के शेयर खरीदे, 2.7 लाख शेयर खरीदे, लेकिन ये स्टैगर्ड वे में धीरे धीरे करके खरीदे हैं। 2 जुलाई से लेकर 17 अगस्त के बीच में ये खरीदारी की है प्रमोटर ने, एक अच्छी खबर है। तो DCM श्रीराम पर नजर रखी जा सकती है, आमतौर पर स्लो मूवर होता है इसलिए टारगेट भी छोटे रखने होंगे, 384-350 की जोन पर टारगेट रखें और 372 ही कल के क्लोजिंग के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना होगा। और अब सुपरहिट शेयर, कल धीरे धीरे ऑटो एंसिलरीज के अंदर खरीदारी आ रही थी, उसमें बैटरी कंपनीज भी शामिल थी, एक्साइड अमर राजा दोनों ही अच्छा मूव दे रही थी। अमर राजा बैटरीज पे आप ध्यान रखें, कल का मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, ऑलमोस्ट वैसे भी साल के ऊपरी स्तरों पर चल रही है दोनों ही कंपनियां, कल 4% बढ़कर ये बंद हुआ, 890 के ऊपर क्लोजिंग, आज 900 तक इसको ड्रैग करके लेके आ सकती है। 902 एक ऐसा रेजिस्टेंस जोन है जहाँ पर हो सकता है शेयर थोड़ा रुक जाए, इसलिए हमने 902 का ही आज का टारगेट डाला है ताकि जब इसके बाद पार होगा तब की तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो 902 के लिए आप एक बार खरीदारी करें। 888 से नीचे जाने लगे तो इंडिकेशन ये समझिएगा कि शायद आज ये तेजी के साथ पुलबैक में पार्टिसिपेट ना करें, तो इसलिए आप इन दोनों ही लेवल्स को नोटिस कीजिएगा। वायदा बाजार के अंदर खरीदारी भी हुई है इसके अंदर और ये वॉल्यूम के साथ खरीदारी हुई है, उच्चतम स्तरों पर भी है। तो अमराजा बैटरी आज हमारी तरफ से सुपर हिट शेयर, लेकिन सुपरहिट शेयर के तौर पर शामिल किया गया है टेक महिंद्रा, वो इसलिए क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच के रडार पर आ गया है और यहाँ पर ये टारगेट इन्होंने बढ़ा दिया, 600 से बढ़ाकर 800 रुपये का टारगेट टेक महिंद्रा पे दे दिया, जो कि बहुत अग्रेसिव टारगेट है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का मानना है कि टेलीकॉम सेगमेंट में जो रिवाइवल हुआ वो कंपनी के लिए बेहतर और मार्जिन पिक्चर सुधर सकती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 18% सालाना ग्रो कर सकता है FY21 तक, बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट है, हो सकता है कि इसमें खरीदारी देखने को मिले। लेकिन डेरिवेटिव मार्केट से जुड़ा शेयर है और उस स्पेस को बिलोंग करता है जिसमें फिलहाल कल के सत्र में तेजी नहीं बनी, तो अपने टारगेट्स को स्ट्रिक्टली और स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। 680 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस
लॉस और टारगेट 705 के टेक महिंद्रा पे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिर से बता दो, फेयर वैल्यू है 800 रुपए बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच के हिसाब से। आज के जो शेयर्स हैं जिसपे आपको ध्यान रखना, उसमें मेरी तरफ से पहला होगा इंजीनियर्स इंडिया। हो सकता है सरकार विनिवेश के फैसले को थोड़ा पीछे कर दे, इसका फायदा इसको मिलेगा। ज्यादातर एक्सपर्ट्स की वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर रहे हैं। पूर्वांकरा ने गूगल के साथ स्मार्ट होम का एक करार किया है, 100 के क्रिटिकल लेवल पे बंद हुआ है, आज शेयर फिर चल सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर कल अच्छी खरीदारी थी, 150 के ऊपर जाके बंद हुआ, आज फिर से सरकारी बैंकों में मूव में बैंक ऑफ बड़ौदा मूव दे सकता है। गोडफ्रे फिलिप्स, कई दिनों के ठहराव के बाद इस शेयर के अंदर वॉल्यूम के साथ खरीदारी आई है, आज का टारगेट 865 का होगा। जीएमआर इंफ्रा, इंट्राडे के लिए ही सिर्फ कॉल इन्वेस्टमेंट के लेनी है, 20 के क्रिटिकल लेवल को पार किया, आज 2090 से 2110 का टारगेट रखे, एक बार इसमें भी सौदा बनाया जा सकता है। हिंडाल्को के अंदर ग्लोबल मेटल के दामों में अभी भी काफी तेजी देखने को मिल रही है, बढ़त है, उसका फायदा आज फिर से हिंडाल्को को मिल सकता है। आरबीएल के अंदर जो स्ट्रक्चर अच्छा बना है, 590 के ऊपर क्लोजिंग है, आज 598 तक का टारगेट रखे, खरीदारी करें, डिलीवरी वॉल्यूम भी 40% का है। जीएम ब्रिवरीज ने कल अपर सर्किट लगाया 5% का, तो लिकर कंपनीज में जो गिरावट है उसका क्रम आज ठहर सकता है। जीएम ब्रिवरीज के अंदर आज का टारगेट 780 का, डीएलएफ और अमर राजा बैटरीज भी हमारे लिस्ट में है, इन दोनों के अंदर स्ट्रक्चर मजबूत है, इन दोनों का फायदा आज आपको पॉजिटिव मिल सकता है। टिन प्लेट पहला शेयर जहां पर खरीदारी करने की सलाह होगी, और टिन प्लेट टाटा ग्रुप समूह की कंपनी है, इसी स्पेस में खरीदारी थी, 183 का टारगेट रखें। रिलायंस इंफ्रा और एडीजी पैक के स्टॉक्स पर फिर से नजर रखें, कल तेज थे, आज आर इंफ्रा पे टारगेट है 438 का। सेलन एक्सप्लोरेशन जबरदस्त तेजी में है इस महीने, अब 266 के लक्ष्य के लिए खरीदा जा सकता है, 257 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। नैल्को खरीदा जा सकता है, मेटल माइनिंग स्पेस में खरीदारी बढ़ सकती है। और श्नाइडर इलेक्ट्रिक आज का ईपीएस शेयर है जिसमें 111 से 112 की रेंज के लिए खरीदें इस स्टॉक को। कॉक्सन किंग्स 227 का टारगेट, 218 का स्टॉप लॉस, तेजी बना सकते हैं। एचसीएल टेक बायबैक का भाव आ गया है 1100 रुपए प्रति शेयर, रिकॉर्ड तारीख है 31 अगस्त, तेजी बन सकती है स्टॉक में। वेल्सपन एंटरप्राइजेस और डीसीएम श्रीराम दोनों ही स्टॉक्स में ट्रेडर के रडार पर हैं, आप तेजी बनाएंगे तो मुनाफा कमाने के चांसेस ज्यादा हैं। और आखिर में है टेक महिंद्रा जो बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच के रडार पर है, टारगेट 600 से बढ़ाकर 800 कर दिए, लेकिन आज का टारगेट रखे 705, तेजी बनाए 680 के स्टॉप लॉस के साथ। ये 20 शेयर आज से आपके फिर से काम आ सकते हैं, उम्मीद के साथ कि आपको फिर से एक अच्छा प्रॉफिट होगा। कल तो खैर मार्केट की छुट्टी, लेकिन आज इन शेयर्स के साथ अच्छा ट्रेड आप बना सकते हैं।